अली जख्मी हालत में शायद आप लोगों के बीच में आए हैं और यहाँ पर सब यासमीन यासमीन चिल्ला रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप इनसाइट दे दें क्योंकि हम काफी दिनों बाद आए हैं। वेल सही बोल रहे हो, मैं भी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। मैं भी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं 4 दिन खुद बहुत बीमार था, इसलिए मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट क्या है। बट ये सभी जो मैंने सीन किया उससे पहले ये हुआ है कि जो मुझे खत भेज रहा था फाइनली वो बंदा मुझे मिल गया है कि वो खत भेजने वाला बंदा कौन था, जो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, जिसे पता है कि मेरी सच्चाई क्या है। वो मुझे किसी तरह कल जहाँ पे फ्रीज हुआ था कि कोई कारपेट आती है उड़ा के मुझे ले जाती है, तो उस सीन के बाद मुझे पता चल गया कि वो इंसान कौन है जो जानता है, कौन है? वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, आज ही देख लीजिए, 9 बजे आएगा, पता चल जाएगा वो कौन है। बहुत ख़ास है वो, जो भी है, और वो मुझे बताते हैं कि ये है, और वही मुझे बताते हैं कि ज़फ़र का एक और बहुत बड़ा प्लान है जो मुझे पता ही नहीं था। आई थिंक अब तक तो मुझे लग रहा है कि मैं ही गेम खेल रहा हूँ और मेरे ही प्लान है, बट यहाँ पे ज़फ़र का एक बहुत बड़ा प्लान है जो बहुत ही सीक्रेटली कर रहा है और बहुत ही कहीं आइसोलेटेड जगह पे वो चीज़ कर रहा है, एक जादुई दीवार है कोई, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताते हैं। एंड वो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट होता है कि अब मैं क्या करूँ, ये रोकना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे यही पता करना होगा कि उसके पीछे क्या है। एंड तभी कुछ तो होता है एंड सडनली सब डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे शो की वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं ऑल ऑफ सडन। और फिर मुझे जो बंदा था जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे जानता है और ये सब बताया है, वो मुझे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, बट मैं बोलता हूँ आप यहाँ से जाओ, तो मैं उनको भेज देता हूँ और करके मतलब उनको बचा लेता हूँ, खुद मैं नाटक करता हूँ बेहोश होने का, तो बेसिकली मैं नाटक कर रहा हूँ, रियल में कुछ नहीं है, नाटक कर रहा हूँ मैं ताकि ज़फ़र को पता ना चले कि मुझे एक और सच्चाई पता चल गई है इसके बारे में। एंड देन पता चलता है कि नक्षड़ी गायब हो गई है, मतलब शहजादी यास्मीन गायब हो गई हैं और सारी बहुत औरतें जो गायब हो गई, तो मेरे दिमाग में भी अम्मी पहले आती है, तो मैं वो भाग के। अच्छा लास्टली जानना चाहूंगी कि अवनीत की भी तबीयत खराब है, आपकी भी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, तो उनके उनके और आपके फैंस दोनों भी ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान है कि ऐसे हुआ क्या। तो बेसिकली सबसे पहले तबीयत मेरी खराब हुई एंड वो मेरे साथ ही थी जब मेरी तबीयत खराब हुई, एंड जब वो जैसे वो घर गई उनकी तबीयत खराब हो गई, एंड 4 दिन मैं बीमार था बट मैं शूट कर रहा था क्योंकि मेरा कुछ स्टमक में क्रिएटिंग लेवल खड़ी हो गया, स्टमक में प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन हो गया था, आई डोंट नो कैसे बट हो गया था, तो फीवर बॉडी एक था मुझे भी, एंड फिर अपनी इनको डेंगू हो गया, एंड शी इज़ नॉट वेल बट नाउ शी इज़ फाइन, एक हफ्ते से वो एडमिट थी बट नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, सो थैंक्स टू आवर फैंस जिन्होंने हमारे लिए इतनी प्रेज की है, थैंक यू सो मच, जल्दी वो आपको दिखेंगी सोशल मीडिया पे। आया नला देंगे। ओके लास्टली ज़फ़र इसमें क्या कह रहे थे आपसे, अगर थोड़ा सा ज़फ़र कुछ नहीं कह रहे हैं इसमें, बेसिकली ज़फ़र को खुद नहीं पता क्योंकि मैं अभी नाटक कर रहा हूँ, सडनली मुझे ये होता था मैं स्ट्राइक होता है तो मैं अंदर एकदम एनर्जी आती है, मैं भाग जाता हूँ, तो कन्फ्यूज ये कि मुझे उल्टू बना रहा था क्या, तो बेसिकली अब धीमे धीमे गेम उसे भी समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है और मुझे उसके और प्लान पता चल गया है, तो उसके बारे में मुझे सोचना है, तो उसके बारे में लिखी है। थैंक यू।